लगा लिया। कल मैंने 17 दिन 18 दिन बाद मैंने दुकान खोला है। ये भाई की स्पेशल वाली चाय, अभी हम चाय का भी टेस्ट करते हैं। तो आज हमारे हैं गोंडा के वायरल बॉय राज जायसवाल, जो कि एमए चाय वाले के ऑनर हैं। तो आज हमारे हैं इनकी चाय की दुकान पर चाय की चुस्कियां लेने के लिए। इनकी दुकान पहले टॉमसन कॉलेज के पास थी और वहां पे इन्होंने स्टार्टअप किया था और बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। इनका वीडियोज आज तक ABP न्यूज़ और बहुत सारे यूट्यूबर और क्रिएटर्स ने सपोर्ट करके इनको वायरल किया था। तो फाइनली हमने भी इनका वीडियो शूट किया था पिछले साल, लेकिन अभी इनकी दुकान को वहाँ से हटा दिया गया है प्रशासन के द्वारा। और ये 15-20 दिन दुकान बंद करने के बाद आज फिर से इन्होंने नई शुरुआत की है एमए चाय वालों ने, और ये आए हैं आदम गोंडवी के गेट के सामने अपना स्टॉल लेके। और फिर इनके जुबानी ही हम इनसे पूछते हैं कि इनकी दुकान को क्या हुआ था और कैसे हटाया गया था, ये बताएंगे आपको वीडियो में। और इन्होंने कैसे स्टार्टअप किया था ये भी बताएंगे। बहुत ज़्यादा वायरल थे आज के एक साल पहले और बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट इन्हें मिल रहा था, भरपूर सपोर्ट इनको। हम राज भाई से बात करते हैं जो कि एमए चाय वाले के ऑनर हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं, इनके साथ क्या क्या कहानी हुई सभी कहानियों पर बातचीत करते हैं। और भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। ये भाई पहले 2 साल पहले गोंडा में सबसे ज़्यादा वायरल बॉय थे और इनकी जो संघर्ष की कहानी थी बहुत बड़ी थी। इनकी दुकान टॉमसन कॉलेज के पास थी, वहाँ से प्रशासन ने हटवा दिया और इनके स्टॉल को तोड़ दिया गया। इसके बाद भाई साहब ने कई जगहों पे अपना इंस्टॉल मतलब सेटल किया और इनके स्टॉल को हटाया गया कई जगह से। तो भाई फाइनली आए हैं अभी आदम गोंडवी मैदान के पास में, उसके सामने लगाते हैं। तो पूछते हैं इनसे इनकी दास्ता क्या थी। तो भाई कैसे हटाया गया वहाँ से आपका स्टॉल को? देखिए वहाँ से 2 महीने के अंदर प्रशासन द्वारा 3 बार हटाया गया लगातार। पहली बार तो कहा गया कि योगी जी आ रहे हैं, हाँ, उसके बाद दूसरी बार कहा गया कि नगर पालिका सफाई अभियान चल रहा है, कांवड़ आ गया है। उसके बाद तीसरी बार सिटी मजिस्ट्रेट खुद आए और वहाँ से हम बात करने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन कोई भी वहाँ पर कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अंततः वहाँ से सिटी मजिस्ट्रेट साहब हम लोगों को आदम गांडवी के पीछे जगा दिए कि जाओ वहाँ पर ला लिया। कल मैंने 17 दिन 18 दिन बाद मैंने दुकान खोला है। अगर एक दिन कोई दुकान ना खोले तो कितनी सारी दिक्कतें होती हैं, तो 17 दिन बाद आए। तो भाई साहब की दुकान बहुत दिनों बाद खुली और भाई साहब एक संघर्ष की कहानी लिखे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है गोंडा में। इन्होंने वायरल बॉय 2 साल पहले सबसे ज़्यादा वायरल बॉय थे गोंडा के, एमए चाय वाले के नाम से दुकान खोले थे। बड़े बड़े चैनलों ने इनका वीडियो चलाया था, जैसे आज तक घंटी बजाओ कार्यक्रम ABP न्यूज़ ने चलाया था। तो दोस्तों एमए चाय वाले की कहानी बहुत संघर्षपूर्ण है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, इनके स्टॉल को हटाया गया, कई जगहों से तोड़ा गया और उसके बाद फिर ये नई कहानी शुरू किए हैं, नई दुकान खोले हैं। तो हम सोचे एक ब्लॉग शूट करते हैं आप सभी के लिए। तो भाई आप हमें भी एक चाय पिलाइए, चुस्कियों के साथ चाय पिए और टेस्ट करें, आप सभी लोगों को बताएं कैसी है भाई की चाय। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा। हम गोंडा से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। भाई साहब राज हो रही है, हमें चाय लेनी है, आज स्पेशल वाली चाय है, टेस्ट करते हैं, आप सभी लोगों को बताते हैं कैसी है भाई साहब की चाय। भाई की चाय एकदम ज़बरदस्त है, आप सभी लोग भी आइए और इनके स्टॉल पर आइए और चाय जरूर पीजिए। दोस्तों जाइए बहुत अच्छी से। ये भाई की चाय स्पेशल वाली गर्मा गर्म और ज़बरदस्त चाय रहती, तो आप लोग आएंगे तो भाई का भी सपोर्ट हो जाएगा और भाई बहुत संघर्ष कर रहे हैं, इनकी मेहनत को भी सफल बना सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।